times and I can't seem to find the light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. प्याज, शिमला मिर्च, हरी पत्ता, उसके बाद फ्लेम को ऑफ करके थोड़ा सा इसे ठंडा होने देना है। सूजी का बैटर इसी में बनाती हूँ ताकि ये सूजी का जो बैटर है मींस बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ये जो सूजी है लगभग 2 कप के हैं, तो मैं इसमें डालूंगी। इसमें आपने डालना है मींस थोड़ा सा ठंडा होने देना है। धनिया पाउडर, गरम मसाला, sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for. और ये देखो मेरे हाथ में क्या है, इतनी खुजली हो रही है ना यार। एक छोटी सी चीज़ इंसान को इतना बेबस बना देती है कि आप अपने बैग पे खुद ही खुजली नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा हथियार है। एक मिनट डरू, सबको आज खुजली हो रही है तो सब अपने पीठ से आज परेशान है ना। इसका ही काम है। लेकिन बड़ा मजा आता है यार, बड़ा सुख देता है ये एक छोटा सा चीज। तो झमाझम बारिश जो है स्टार्ट हो चुकी है। सुबह से इतनी गर्मी है, होप सो कि थोड़ी गर्मी कम हो। एंड बहुत बारिश हो रही है यार, नीचे भी देखो। इस बारिश में मुझे एक चीज़ बड़ी गंदी लगती है, बहुत गंदगी हो जाती है चारों तरफ। एंड वो बेचारा जो आप देखो गाय जो है वो भींग रही है। सो ये देखो ये बालकनी से ना बिल्कुल पानी आने लगता है। एंड मेरे जो कपड़े हैं वो रखे हुए, तो मैं इसको उतारती हूँ वरना गीले हो जाएंगे। और ये देखो ये मम्मी के घर से आई थी। तो आप लोगों को अगर मेरा माइके ब्लॉग नहीं देखा तो चेक करिएगा। ये पौधा लेके आई थी, इसको सदाबहार या फिर बंगला में टॉगर फूल बोलते हैं। सो ये एक पौधा लेके आई थी एंड ये किचन में है। एंड यहाँ से भी देखो नई ग्रोथ हो रही है। मेरे बहुत सारे पौधे ना रूट रोटिंग हो गई मेरी गलती से। एंड ये देखो यहाँ पर मिर्ची है, तो मिर्ची बड़ा तोड़ने में बहुत सारी मिर्ची हुई है देखो। तो बहुत ही मीन्स अच्छा सा हेल्दी सा पौधा जो है ये ग्रो हो रहा है। लिटरली आप मेरी हालत देख सकते हो कि चेहरे पे बस पसीना ही पसीना दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा। किचन में जाने से आजकल यही हाल हो रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सारे फ्रेंड बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। एंड अरु एग्जाम खत्म हो गया? हाँ। कितना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया है इसने, एग्जाम खत्म हो गया। एंड रिशु का एग्जाम अभी नेक्स्ट वीक तक है, कंटिन्यू है, क्योंकि वो ऑब्वियसली क्लास 4 है तो बहुत सारे सब्जेक्ट है तो कंटिन्यू होना है। एंड एक दिन में 2-2 पेपर, आप लिटरली बिलीव नहीं करोगे इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी। 2 पेपर इसके 2 पेपर इसके एक। सो बस अब फटाफट नाश्ता करती हूँ, उसके बाद उसका एग्जाम हो जाएगा तब ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि ब्लॉग तो जो है फ़ोन से ही करना है। तो चलो फटाक से मैं पहले नाश्ता करती हूँ। सो आज का ये नाश्ता मीन्स ये जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की, चीलहा चाय एंड अचार। तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, पेट में बिल्कुल चूहे कूद रहे हैं, तो इसको मैं नाश्ता फटाफट करूँगी। एंड ये देखो अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आज जो है आपको पता नहीं किन किन को ये पता है, ये लाऊ डाटा बोलते हैं। जैसे पोई साग होता है ना उसी की एक वेराइटी रहती है लाऊ साग, जिसे बोलते हैं बंगला में लाऊ डाटा बोलते हैं। एंड ये जो है इसके पत्ते हैं। एंड यहाँ पर देखो मैंने आलू को इस तरह से लंबा लंबा काट दिया एंड सबको मैं अच्छे से भी वॉश करूंगी। तेल गरम हो चुका है, उसमें थोड़ी सी हल्दी, जो ये आलू है इसको फ्राई करते हैं, निकालो लाल लाल करके बिल्कुल फ्राई करना है आलू को। सालों में मैंने लिया है मीन्स येलो मस्टर्ड, मिर्ची, जीरा एंड लहसुन, बस बहुत ही सिंपल मसाले। ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो जो भी नॉर्मल सरसों लहसुन एंड जीरा का, आप चाहो तो इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हो, बट अभी मैं धनिया इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। अब ये देखो ये जो डाटा जो है उसको फ्राई करना है, तो भी अब मैं निकाल लूंगी। मैं अब 5 फोरन और एक हरी मिर्च डालूंगी, ये अनियन। आज इतनी गर्मी है ना यार, किचन में बिल्कुल हालत खराब हो रही है, लेकिन खाना बनाने से छुटकारा आपको बिल्कुल नहीं मिलना है। तो इस तरह खाना भी बन रहा है एंड सोचा आज शायद 2-3 दिन मेरे ब्लॉग्स ना आए, तो सोचा कि एटलीस्ट आज एक ब्लॉग शेयर करती हूँ, क्योंकि कुछ काम है तो मुझे पता है कि मैं 2-3 दिन ब्लॉग नहीं शेयर कर पाऊँगी, तो अभी से सॉरी बोल रही हूँ। एंड ये जो पेस्ट बनाया था वो डालूंगी मैं, फ्राई करना है 5 से 10 मिनट तक अच्छे से।
बॉक्स है। तो इस बॉक्स में क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ इस बॉक्स में क्या है। ये देखो, इसमें जो मैंने ये मंगवाई थी, इसे मुझे एक DIY करना है, बट बोल रही हूँ ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा, एंड बारिश जो है फिर से स्टार्ट हो गई है। और ये देखो, ये जो है कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया कि घर के कपड़ों को आप फेस्टिवल में कैसे स्टाइल कर सकते हो, मैं लास्ट में दे दूँगी, आप चेक करना। तो उसमें मैंने ये जो है, ये बहुत पहले मैंने लिया था, बहुत पहले, लगभग जब रीछू मेरे पेट में था, मीन्स 8-10 साल तो हो ही गए होंगे, लेकिन अभी भी ये बहुत खूबसूरत है, एंड गाउन के साथ में, साड़ी के साथ में बहुत अच्छी लगेगी। एंड ये जो एक बटन है, ये इसमें पड़ा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे जो DIY करा था ना, ये मैंने पुराने कार्डबोर्ड को यूज़ करके कुछ बनाना सिखाया, वो वीडियो भी चेक करिएगा, उसमें से निकल गई है, तो इसको चिपकाऊँगी, मीन्स ग्लूगन जो था उस टाइम ख़त्म हो गया था। सो बस इसमें निकनैक चीज़ें जो डेली यूज़ की रहती है, जो मुझे लगता है कि गुम हो जाएगी, तो इस बॉक्स में करके रख देती हूँ, एंड देखने में भी प्यारा लगता है। और अब इसमें एक बड़ा टमाटर मैं डालूंगी। अब नमक की बारी। हाँ बताओ क्या हुआ? पापा को मोबाइल से हमको खेलना डाल दे देंगे भैया को। नहीं अभी हम कर रहे हैं ब्लॉग, जाओ जाओ जो बुला रहे हैं। ओके, मीन्स हाथों से रफली इस तरह से तोड़ के ऐड करूंगी। अब ये फ्राई किए हुए आलू और जो ड्रमस्टिक रखे थे, वो एक्चुअली ड्रमस्टिक नहीं, ये दूसरा ही स्टिक है, लेकिन कोई तो स्टिक है। पानी डाल देना है, एंड लास्ट में गरम मसाला, आपकी सब्जी जो है रेडी हो जाएगी। कलर देखो सब्जी का कितना अच्छा आया है, तो सब्जी जो है बन गई है। आप इसे ड्राई ड्राई भी बना सकते हो, बट आज मैं जो दाल नहीं बना रही, इसलिए थोड़ा ग्रेवी रखा है, बट बहुत टेस्टी लगती है। एंड अगर आपके पास चिंगड़ी मछली हो, जो प्रॉन्स रहते हैं, उसको प्रॉन्स को भी फ्राई करके आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके बहुत सारे वेरिएशन है, मैं आने वाले दिनों में शेयर करूँगी, एंड इसके लिए एक लाइक तो बनता है। Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. Now अभी बज रहे हैं 3:30, एंड अभी मुझे समय मिला है, अभी मैंने थोड़ा सा खाया है। आज ऐसी लग रही है ना यार कि मेरी जिंदगी जो है, मीन्स कितनी भाग रही है, बस समय गुजर रहा है। मीन्स सुबह से मैं उठी हुई हूँ, एंड बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है। अभी बस अभी खाना खाया, एंड सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, एंड अभी मैं रेस्ट नहीं करूँगी, जहाँ रेस्ट करूँगी मुझे नींद आ जाएगा, तो मैं फटाफट जो है थोड़ी बहुत एडिटिंग करूँगी। अभी मुझे इतनी नींद आ रही है, मीन्स ऐसा लग रहा है ना कि आपने टॉम एंड जेरी देखा ना, कि वो आँखें कभी कभी बंद हो जाती हैं, ऊपर से ऐसे खोल के सेलोटेप लगा देते हैं। तो अभी मेरी जो हालत है ना, वो लिटरली ऐसी है, एंड जब तक एग्ज़ाम नहीं ख़त्म होगा, एंड कल जो मुझे एग्ज़ाम देना है वो नहीं दे दूँगी, तब तक बिल्कुल मुझे बहुत स्ट्रेस है सच में। मीन्स थोड़ा फ्री हो जा रही है अभी, क्या है ना दिमाग में टेंशन है कि उसके एग्ज़ाम है, तो फ्रीली मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। कल मैंने 4-5 वीडियो अपनी फैशन का जो शूट करा है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं डेली जो है वीडियोज़ अपलोड करूँ, मीन्स शूट करूँ। तो कल मैंने 4-5 टॉपिक लिख के फिर मैंने क्या किया, शूट कर लिया, एंड अभी मुझे नींद आ रही है। तो ये मुझे आके क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है बताओ तुमको? ये देखिए इसका मुंह, देखिए इसके मुंह के लिए ना आप डिसलाइक करना, ठीक है, लाइक मत करना। देखो कैसे मुंह बनाता है, पता नहीं कहाँ से ऐसे मुंह बनाना सीखा। मतलब ये ना यार, जब भी मैं थोड़ा आराम करती हूँ, या तो इसको पॉटी जाना होता है, या फिर इसको शरबत पीना होता है, मीन्स कुछ ना कुछ काम तो इसको मतलब चाहिए ही चाहिए कि करना है, मुझे मम्मा को आराम नहीं करने देना है। तो चलो यार अभी शरबत बनाती हूँ मैं, शरबत। Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. मालिक लोगों ने ऑर्डर दिया, एंड जो मैं हूँ, मैं शरबत बना के लाई हूँ। लोग मेरे मालिक है, देख लो, एक बड़ा मालिक जो है वो बाहर गए हुए हैं। तो यही होती है घर के औरतों की हालत, तो मीन्स जब भी ऑर्डर आए आप दौड़ पड़ो किचन की ओर। कैसा है? अच्छा है। अच्छा है, सोच रही हूँ मैं भी थोड़ा पी लूँ, फिर मैं क्यों पीछे रहूँ। जो कच्चा आम होता है ना, एक्चुअली ये गुरु जी का शरबत है, बहुत अच्छा रहता है। इसके दो फ्लेवर है मेरे पास, एक रोज वाला और एक ही कच्चा आम वाला होता है। अगली बार वाला डोज।
बट मुझे सबसे अच्छा जो है ठंडाई लगता है, मैं हमेशा बोलती हूँ ठंडाई मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पे जो है लोगों की मस्ती चालू है, मीन्स गिलास, अब शरबत पी लिया आप गिलास भी पिएगा। किसी को आपने देखा है मैजिक गिलास पीते हुए? तो देख लेना, मेरे घर में ये रोज होता है, वो ग्लास वाला जो मैजिक होता है ना, जो मैजिशियन दिखाते हैं वो वाला। और इसका देखो शरबत ही नहीं खत्म हो रहा है इस लड़का का, पता है इसकी हरकतें। उधर मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है, प्लीज इग्नोर करना क्योंकि मेरे फोन में बिल्कुल चार्ज नहीं है। मेरा फोन जो है, ये जो है साड़ी, मुझे बिल्कुल मीन्स फोल्ड करके इसको रखना है। Between the walls I built for myself right in my mind and then you came up. बात जो है, आज साइकिल जो है उस रूम से बाहर निकली है, तो अरु जो है बिल्कुल ये देखो राइडर की तरह आ रहा है, एंड मैं जो हूँ कैमरा पर्सन, ये जो है मेरे बेटे का सूट कर रहे हैं। सो पहले ना घर में बहुत सारी जगह थी, लेकिन अब देखो घर में चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, एंड ये मेरे हस्बैंड एक्स्ट्रा लेके आए। इसके लिए कितनी हम लोगों में मीन समझ लो कि नोकझोंक हुई है। एक्चुअली देखो रखने की जगह नहीं है, तो मेरा बस चले तो मैं दोनों ही दे दूँ, बट एक जो है मेरा भाई ले जाएगा, एंड एक जो है इस रूम में हमें जिसमें भगवान जी है, अभी पूरा लाइट ऑफ है, तो उसमें रखूँगी। सो बच्चे पहले बहुत मस्ती किया करते थे, अब देखो बहुत सारे मीन्स देखो मेरे घर में उतनी भी चीज़ें नहीं है, जितनी ज़रूरत की है उतने हैं, एंड जा रहा है क्योंकि मेरे जो है ड्रेसिंग में बहुत जल्दी ड्रेसिंग का मेकअप वर्क करूँगी मैंने बोला है। तो ये जो बैंगल है ये इसका एक पेयर जो है देखो ये जो है ना बहुत सुंदर है, ये मैंने लगभग 600 या 500 में ख़रीदा था, अमेरिकन डायमंड जो होती है। सो इसे मैं सोच रही हूँ कि घर में भी रेगुलर पहनूंगी, बहुत दिनों से कांच की चूड़ियाँ मैंने पहनी हुई है, तो ये मैं पहन लेती हूँ। एंड ये देखो ये एक रेड कलर का है, तो आगे पीछे लगा लूँगी मैं, इस पीछे में एक लगा लूँगी। देखो एक पहना हुआ है एंड एक हाथ में, मैंने अभी कुछ भी नहीं पहना, तो इसको पहनती हूँ पहले मैं। तो ये देखो मैंने जो है पहन लिया, तो प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइएगा पार्सल कोई मंगवाते, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि इस तरह से जो आपकी रेगुलर यूज़ की चीज़ें होती है आप इसमें डंप कर सकते हो, और देखने से भी ऊपर में अच्छा लगेगा अगर घर में ज़्यादा स्पेस नहीं है तो। एंड ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से आप अमेरिकन डायमंड के बैंगल में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ जो है पुचका पार्टी, कभी कभी पार्टी होनी चाहिए घर पे, तो पार्टी बन रही है। सो ये देखो फुचका, एंड यहाँ का जो आलू और पानी रहता है बहुत टेस्टी रहता है, तो इस तरह से करके फोड़ो एंड ये तो लास्ट में खाना, ये क्रंची वाला है, ये खाओ। खा गया अरु? अरु खाना है? अरु गुस्सा है क्योंकि उसको हम लोग वीडियो में नहीं आने दे रहे। बहुत ज्यादा टेस्टी है, किन किन के मुंह में पानी आया फुचका देख के कमेंट सेक्शन में बताना। ये मत बोलना कि दी हम लोगों को जो है लालच दिला रही है। इस तरह फुचका फोड़ते हैं ना आवाज का तो बहुत मजा आता है। ये फुचका ना लीट है, लीट तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी ये जो फैमिली है आप भी मेरी फैमिली का पार्ट बनिए, एंड ये छोटी सी जो सालू फैमिली ब्लॉग है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए। तो प्लीज 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 अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो, मेरी फैमिली अच्छी लग रही हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान हर एक समस्या का समाधान कर सकती है। स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड। लव यू, बाय।